दोस्तों जैसा कि देख रहे हो आप लोग, आज का वीडियो जैन चावल वालों के लिए है। तो दोस्तों पहले वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और यहाँ के मशहूर कनॉट प्लेस में जैन चावल वाले के यहाँ आए हैं। तो अगर आपको भूख लग रही है तो चलिए मेरे साथ। जैन चावल वाले बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है, भीड़ देख के आप बता ही सकते हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं और रात में आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। दोस्तों आसपास का भी नज़ारा दिखा रहता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। इतनी भीड़ तो मैंने किसी भी रेस्टोरेंट में देखी नहीं अभी। तो ये रात की चहल पहल है कनॉट प्लेस की और साथ ही भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा कि जैन चावल वाले के यहाँ आ जाते हैं। मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था तो मैंने सोचा कि चलो संडे की आउटिंग जैन चावल वाले के यहाँ ही करते हैं। तो यहाँ दोस्तों टोकन सिस्टम रहता है, तो पहले आपको टोकन लेना पड़ता है और उसके बाद आप यहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ की अगर फेमस डिशेस की बात करें तो दोस्तों चुरचुर नान थाली, राजमा चावल, छोले चावल बहुत ही फेमस हैं। साथ ही में लोग यहाँ पे स्नैक्स भी खाते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज, कबाब्स, पनीर टिक्का, चाप, तो आप ये सब भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने भी अपनी पर्ची कटवा ली और लाइन में लग गया। काफ़ी कुछ ऑर्डर किया दोस्तों, चुरचुर नान थाली, राजमा चावल, छोले चावल। देखता हूँ कितनी देर में नंबर आता है, लेकिन भीड़ देख के लग नहीं रहा है कि मेरा नंबर आएगा। लेकिन आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए और मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है अभी तक वीडियो। इनका जो मेन्यू है वो बहुत ही वास्ट है और आप जब आओगे तो आपको पहले से ही बना के आना पड़ेगा प्रोग्राम की क्या खाना है, क्योंकि समय नहीं देते ये लोग ना बोलने का ना ऑर्डर लेने का। तो भीड़ इतनी है कि आपको तुरंत ही सब कुछ करना होता है 5 मिनट के अंदर, जब भी आपका लाइन में नंबर आए। उसके बाद मैंने भी ऐसे ही टोकन कटवा लिया और उसके बाद पेमेंट करके अपने ऑर्डर के इंतज़ार में खड़ा हो गया। काफ़ी देर लाइन में खड़े होने के बाद नंबर आ ही गया मेरा और ये देखो चुरचुर नान थाली, साथ में दाल मखनी, छोले, लच्छेदार प्याज। आहा, नान को देख के तो मज़ा ही आ रहा है। तो आप भी बताओ कैसा लगा आपको ये खाना, और अगर आपने जैन चावल वाले के यहाँ ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये जो दुकान है दोस्तों बहुत पुरानी है, 50 साल लगभग हो चुके हैं और बहुत फेमस है दिल्ली वालों के बीच में। तो आप भी फूड का आनंद लीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको फूड। अब इतना सब कुछ देख लिया आपने तो अब दिल्ली भी थोड़ा दिखाई देते हैं आपको। कनॉट प्लेस की गलियां, वॉकिंग स्ट्रीट, ये सब देख के तो आपकी यादें ताज़ा हो ही जाएंगी। तो अगर आप अपना वीकेंड अच्छा बनाना चाहते हैं और दिल्ली में हैं फैमिली के साथ तो जैन चावल वाले के पास आ जाइए, थोड़ा बहुत घूमिए, शॉपिंग कीजिए और फिर खाना खा के आप यहाँ पे टहल सकते हैं आराम से। यहाँ आने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप मेट्रो से आ सकते हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जो कि कनॉट प्लेस का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं, गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 7 या 9 तक है। तो आप वहाँ आके कहीं भी गेट से निकलेंगे तो आपको कनॉट प्लेस में ही निकलेंगे। और यहाँ पे महंगे ब्रांड्स हैं और फॉरेन ब्रांड्स हैं, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, जैन चावल वाले के यहाँ खाना खा सकते हैं। और राजीव चौक सारे मेट्रो स्टेशन से बहुत ही पास है, तो कनेक्टिविटी वाइज कनेक्टेड है, तो आप कोई भी मेट्रो लेके डायरेक्ट आ सकते हैं राजीव चौक और उसके बाद अपने वीकेंड को आनंदमय बना सकते हैं।
खाना खाने के बाद आप लोग टहल सकते हैं और जो रोड पे आइसक्रीम शॉप्स रहती हैं वहाँ पे आइसक्रीम का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो मजे कीजिए दोस्तों। दोस्तों दिल्ली सीरीज़ के वीडियोस में मैंने एक वीडियो बिल्ले दी हट्टी का भी डाला है मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देखिए और मैं कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो मुझे वो भी देख के बताइए आपको कैसा लगा। वो भी बहुत फेमस है ब्रेकफास्ट के लिए, वहाँ के छोले पूरी बहुत फेमस हैं, तो आप वो भी देखिए। और ये देखिए दोस्तों कनॉट प्लेस की रात, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं लेकिन यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया है और लोग अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सोडा वाला है तो लोग इसके यहाँ भी भीड़ लगाए हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सोडा भी पी लिया जाए। तो सोडा पी के फिर हमने अपना दिन आज का ख़त्म किया और घर गए। कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।